इसमें टोटल जो फ्रेंड्स हमारा कपड़ा लगेगा वो इसमें 2.5 मीटर लगेगा। 2.5 मीटर इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने जो अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई हैं उसमें भी मेरा कपड़ा जाएगा। तो ये जॉर्जेट का मैंने कपड़ा ले लिया है 2.5 मीटर, और ये मैंने आधा मीटर से भी कम अस्तर लिया है क्योंकि अस्तर को सिर्फ मैं टॉप पार्ट में ही यूज़ करूँगी। तो इसको मैंने 4 तह में रख लिया है। सबसे पहले लंबाई देखेंगे, 15 का टॉप पार्ट की लंबाई तैयार रखेंगे। बॉट नेक बनाएंगे तो 7 इंच पे शोल्डर ले लेंगे और 7 इंच पे ही आर्म होल ले लेंगे। तो यहाँ से हम एक सीधा निशान लगा देंगे आर्म होल के लिए, और अपनी ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा और उसमें 2 इंच ज़्यादा मार्जिन लेके हम यहाँ से निशान लगा देंगे, और अपनी कमर का भी चौथा हिस्सा और उसमें भी 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन लेके ऐसे निशान लगा देंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे सीधा कर देंगे। अब ये हमने कर दिया है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से गोलाई डाल देंगे। तो हम 1.5 इंच पे बैक के लिए देंगे और 1 इंच पे फ्रंट के लिए। तो हमारी अब ये बैक के लिए ही है, मतलब पीछे वाले, और 1/2 इंच का तीरा हम डाउन कर देंगे। और अब कटिंग कर देंगे, बंद वाली साइड हमेशा गला बनता है और खुली वाली साइड हमेशा मुड्ढे यानी कि आर्म होल, जहाँ पे हम बाजू लगाते हैं। ध्यान रखें ये चीज़, जो बंद वाली साइड है वहाँ से मैंने गला भी नहीं बनाया है क्योंकि मैं बुकरम पे बनाऊंगी गले को। अभी मैंने कटिंग कर दी है। अब इस कपड़े को, जॉर्जेट का कपड़ा है ये, इसमें कलर ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकती हैं, बहुत सारे कलर इसमें अवेलेबल होते हैं। तो इसको भी मैं 4 फोल्ड में रख लूँगी, जॉर्जेट के कपड़े को, और इसी कपड़े के ऊपर मैं अपने अस्तर वाले पार्ट को रख के और इसकी ऐसे ही एज इट इज़ कटिंग कर दूँगी जैसे मैंने अस्तर की थी। और जो मैंने इसमें अस्तर यूज़ किया है वो मैंने इसमें सेंटून का अस्तर यूज़ किया है। आप इसमें कोई भी अस्तर अपने हिसाब से यूज़ कर सकती हैं, सिर्फ कॉटन को छोड़ के, क्योंकि कॉटन अंदर सिकुड़ जाता है और जॉर्जेट कपड़ा है उसके लिए हमेशा थोड़ा शाइनिंग वाला और थोड़ा सा फिसलना कपड़ा यूज़ करें। साटन भी यूज़ कर सकते हो। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको पहले 2 फोल्ड में बिछाएंगे। अब एक कोना पकड़ के ऐसे तिरछा कर देंगे, ठीक है, आ गया समझ में। एक कोना उठा के मैंने ऐसे तिरछा कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि जो मैंने टॉप पार्ट लिया है और अस्तर हम नीचे वाले घेरे में नहीं, वो तो खैर आपको समझ में आ ही गया होगा फर्स्ट पार्ट देख के ही इसका। अब जो मैंने अपना टॉप पार्ट कट किया है उसका हम रख के और कमर का मेजरमेंट निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मैंने कमर के लिए ऐसे निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ से इसको नापूंगी, तो यहाँ से 11 इंच बैठ रहा है। तो अगर हम पूरा राउंड इसको नापेंगे तो ये 11 इंच ही होना चाहिए, कहीं से भी कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो। अब मैंने एक निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ से लंबाई देखूँगी, आपको लंबाई कितने इंच की रखनी है। जैसे कि हमारी इस, तो आप इसे 30 पे भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसे 27 पे लगाऊंगी। मेरी जो कुर्ती की तैयार लंबाई होगी वो 43 इंच होगी क्योंकि मैं इसको अम्ब्रेला प्लाजो के साथ कैरी करूंगी। तो मैं यहाँ से 27 इंच पे ऐसे पूरे में छोटे छोटे मार्क कर दूंगी। और ये जो सर्कल होता है ये मैं पहले भी बताती हूँ और फिर से बता रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो निशान है वो इक्वल रखने हैं। कोई भी निशान अगर अंदाजे से लगाओगी तो वो छोटा बड़ा होगा। पहले कमर वाला हिस्सा कट करेंगे और फिर उसके बाद हम नीचे से घेरे वाला हिस्सा कट करेंगे। और जो साइड से आपको ये छोटा बड़ा पार्ट का दिख रहा है कपड़ा, उसको भी हम यहाँ से अलग कर देंगे कट करके। अब इसको पूरा अच्छे से कट कर लेंगे नीचे से घेरे को। और जो स्लीव्स का कपड़ा है वो मैंने इसमें से अलग निकाल दिया है। तो टोटल मेरा 2.5 मीटर कपड़ा इसमें लग गया है, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसको हम ओपन कर लेंगे जो बंद पार्ट है। अब ये हमारे पास 2 आ गई हैं पार्ट, आगे और पीछे के। अब ये हो गया हमारा पेपर पेस्टिंग, इस पर गला बनाएंगे। तो 4 तह में रख लेंगे क्यों, ताकि आगे और पीछे के गले एक साथ कट जाएं। आप एक एक दो दो फोल्ड करके भी काट सकती हैं। अब यहाँ से मैं गले की जो चौड़ाई है वो ले लूँगी 3.5 इंच पे। अब यहाँ से चौड़ाई लेने के बाद अब हम लंबाई देखेंगे, लंबाई आपको कितने इंच पे रखनी है। जैसे कि मेरी 5 की तैयार रहेगी तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा, तो मैंने 5.5 इंच ले ली है। अब मैं यहाँ से पहले एक बॉक्स बनाऊंगी, और अब इस बॉक्स को बना के अब यहाँ से बॉट नेक की शेप देंगे। हल्की सी खड़ी शेप देनी है, बिल्कुल गोल नहीं करनी है। और यहाँ से लगभग हम 1 से लेके 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर देंगे पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा को इस तरीके से। और अब इनको हम प्रेस कर लेंगे, और जो इसकी बाजू हम बनाएंगे वो लास्ट में बनाएंगे पूरी कुर्ती को तैयार करने के बाद। आप अंत तक बनी रहिएगा। आप अस्तर को रखेंगे ऊपर, जॉर्जेट के कपड़े को रखेंगे सीधा करके, और पहले इसके कमर वाले हिस्से पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। वैसे सीधा उल्टा इसमें कुछ है नहीं, जॉर्जेट का कपड़ा दोनों साइड से सेम है। वो मैं इसलिए लगा रही हूँ सिलाई क्योंकि यहाँ से नीचे से बॉटम से फिनिशिंग देंगे, क्योंकि हम इसमें अस्तर नहीं लगाएंगे उस कपड़े में, तो फिर नीचे से फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने पिनअप कर लिया है इसको। अब मैं चारों तरफ से इसमें सिलाइयाँ लगा दूँगी ताकि ये जो मेन फैब्रिक है और जो हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है वो इक्वल बराबर हो जाए। अब सभी को कर लिया है बराबर। अभी हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। 4.5 इंच लंबाई और 5 इंच, 4.5 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई लेके 2 प्लेट हम डालेंगे इसमें। पत्ती प्लेट मतलब
सिर्फ आधे आधे इंच की डाली है मैंने, सिर्फ शेप के लिए जो फिटिंग अच्छी आई। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और कट लगा देंगे, और यहाँ से ये जो गला है उसको मैंने प्रेस कर लिया है, और यहाँ से भी सेंटर में एक निशान लगा देंगे और इसमें भी कट लगा देंगे, और इस तरीके से रख लेंगे हम। और सीधा करके इसको गले को सीधी साइड को उल्टा करके रख के सेंटर में निशान लगाएंगे। ये सिलाइयाँ आप ज़रूर, मतलब निशान आप ज़रूर लगाएं और उसी के ऊपर मशीन को चलाएं, उससे क्या होता है कि गला टेढ़ा नहीं होता है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट करके, और इसमें मैं छोटे छोटे कट लगा दूँगी ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ तो इसमें झोल ना आए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब मैं इसको ऐसे उल्टी साइड को मोड़ दूँगी ऐसे, और मोड़ने के बाद अब जो दूसरा पार्ट होगा इसका बैक पार्ट, उसको भी मुझे ऐसे ही तैयार करना है, क्योंकि मैं दोनों आपको सेम ही बताऊंगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब दोनों हो गए हैं। अब जो ये घेरे वाला पार्ट है उसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, तो उसको टॉप पार्ट के साथ रख के अब इसमें से धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, वरना हमने इसमें अस्तर नहीं लगाया तो वो धागे वगैरह बाहर की तरफ दिखते, तो इसीलिए आपको पहले उसमें फिनिशिंग दे लेनी है। अब आपको इस कपड़े को ऊपर करके एक सिलाई के ऊपर से लगा देंगे। अब दोनों पार्ट हो गए तैयार। अब दोनों पार्ट का शोल्डर जोड़ देंगे मिला के। ये देखिए, अच्छे से शोल्डर को जोड़ देंगे, दूसरे शोल्डर को भी सेम ऐसे ही जोड़ेंगे, और फिर इसमें फिटिंग दे लेंगे। फिटिंग देने के बाद ही हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने फिटिंग कर ली है और शोल्डर जोड़ लिया है। अब ये दोनों पार्ट आपस में मिलने चाहिए, कमर वाले, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि इसमें नीचे अस्तर नहीं है। अगर ये छोटे बड़े हो गए तो फिर बहुत दिक्कत होगी, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। अब नीचे तक जितनी भी इसकी लंबाई है 43 इंच तक, वहाँ तक हम इसको पूरा ही सिल देंगे। ये देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, मैं नीचे से इसको मोड़ूंगी नहीं, मैं इस पर पीको करवाऊँगी। अगर आप पीको नहीं करवाना चाहती हैं तो आप इसको मोड़ सकती हैं। पहले पतला पतला एक बार मोड़ें, फिर दोबारा में मोड़ दें, वो मैंने सिखा रखा है मोड़ना। अब मेरी दोनों साइड से इसकी फिटिंग प्रॉपर हो चुकी है। ये देखिए, मैं इसकी बाजू और इस कुर्ती को घेरे पे दोनों पे करवाऊंगी पीको। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा जो कुर्ती है वो यहाँ तक हो गई तैयार, सिर्फ मोड़ना बाकी है, जो कि मैंने बता दिया है। अगर आप मोड़ना चाहती हैं तो इस तरीके से मोड़ सकती हैं इसको। अब इसकी बाजू कट कर लेते हैं। तो सिंपल इसको बिछा लेना है और इसका आर्म होल नाप लेना है फिटिंग करके। तो इसको नापेंगे ऐसे, तो ये मेरा 8 इंच पे बैठ रहा है। अब 8 को मैं डबल कर दूंगी, और डबल को मैं ऐसे इंच टेप को 4 फोल्ड में कर दूंगी, तो ये मेरा 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम अपनी बाजू को भी ऐसे ही कट करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को मैं इस तरीके से, ये मेरा जो कपड़ा है वो 1/2 मीटर से कम है, तो यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो लगभग मतलब 15 इंच तक है। अब एक बार फोल्ड करेंगे। अब ये हो गया 4 फोल्ड में, अब हो गया 8 फोल्ड में। अब आपको अपनी लेयर गिननी है। ये देखिए, 8 लेयर होनी चाहिए। अगर 8 लेयर नहीं होंगी तो सिर्फ आपकी एक बाजू कटेगी। 4 लेयर होंगी तो आपकी एक बाजू, 8 लेयर होंगी तो 2 बाजू एक साथ। अब यहाँ से जितनी भी मेरी लंबाई आ रही है 10 इंच, वो मैं पूरी ले लूँगी यहाँ से। ये देखिए, और ऐसे ही निशान लगा देंगे पूरे में। पहले इस सर्कल को कट करेंगे हम, उसके बाद ही इसमें जो बाजू के लिए आर्म होल कट होगा वो बाद में करेंगे, पहले सर्कल को कट कर लेते हैं। तो एक दूसरे से मिला दिया है, अब कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कर दी है मैंने कटिंग। अब मेरे पास 2 सर्कल आ गए हैं। ठीक है, अभी हम इनका सेंटर निकालेंगे। तो एक सेंटर में मैंने चौक से निशान लगा दिया, और छोटा सा कट भी लगा दूंगी मैं। अब इसको खोलूंगी। अब मैं क्या करूंगी, उसी सेंटर से इसको मोड़ देंगे इस तरीके से, जो निशान लगाया था ना मैंने अभी, वहीं तक मोड़ देंगे, और 3.5 इंच तक इसे ऊपर रखेंगे और फिर से मोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो छोटा पार्ट है वो तो जुड़ेगा हमारा आर्म होल वाली साइड। अब यहाँ से जैसे 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा बैठ रहा था, तो मैं यहाँ से 3.5 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके और ऐसे इसकी गोलाई में निशान लगा दूंगी, जैसे हमने कमर के लिए लगाया था। और ये सर्कल अगर थोड़ा सा छोटा हो जाए तो इसे और थोड़ा सा बड़ा कर सकती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा कट गया तो फिर दिक्कत हो जाती है, लेकिन उसका भी है सॉल्यूशन। अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उस पर 4-5 सिलाइयाँ लगा लीजिए सर्कल के ऊपर, वो छोटा हो जाएगा सर्कल। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एक बार नाप के देख लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा एकदम बराबर आ रहा है, और इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताऊँगी। जो ये शोल्डर वाली साइड है वहाँ तो जुड़ेगा ये बड़ा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये शोल्डर वाली साइड को जुड़ेगा, और जो छोटा वाला पार्ट है वो जुड़ेगा आर्म होल वाली साइड को। तो ये देखिए, ये बड़ा पार्ट है ना, तो इस बड़े पार्ट को मैं रखूँगी शोल्डर वाली साइड को, जहाँ से मैंने तीरा जोड़ा था। ये देखिए, निशान लगा लूँगी मैं यहाँ पे। ध्यान रखें, बड़ा वाला पार्ट जुड़ेगा यहाँ पे, जहाँ पे हमारा शोल्डर है, छोटा वाला पार्ट हमारा नीचे खुद ही आ जाएगा जब हम इसको जोड़ते जाएंगे। और इस मेजरमेंट के हिसाब से आप बाजू कटिंग करेंगी तो आपकी जो बाजू है वो कभी भी छोटी नहीं पड़ेगी, ना ही बड़ी पड़ेगी। मेरी एकदम बराबर आई थी, मतलब मैंने पूरे मेजरमेंट के साथ इसको, और इसको कटिंग करना बहुत आसान है, कोई भी कहीं पर कोई डाउट नहीं होता है। जिनको ये बाजू बनानी नहीं आती थी, उन्होंने मेरी पहली वीडियो देख के, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखी है बाजू,
उन्होंने बिल्कुल सीख ली है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही इजी इजी तरीके से आपको हर चीज़ मैं सिखाती रहूँ। आप भी वीडियो को लाइक करके जाया करो, कमेंट करके जाया करो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ से देखिए, मैंने पूरा बाजू को जोड़ दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके नीचे इंटरलॉक पी को करा लिया, बाजू पे भी और इसके घेरे पे भी। तो आप देख ही सकती हैं इसका फाइनल लुक। प्लाजो का वीडियो मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ जाके सीख लीजिए आप उसको भी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी बनी है ड्रेस, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने का कोई पैसा नहीं है। थैंक यू।